शहरी स्वच्छता में सिरमौर नगर परिषद डूंगरपुर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 20 नवंबर को देश की आजादी में महामहिम राष्ट्रपति के हाथों स्वच्छ शहर और 3-स्टार रेटिंग का खिताब हासिल करने के बाद शनिवार को राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में शहर के समस्त समाज अध्यक्ष स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वच्छता सिपाहियों का सम्मान कर ये खिताब उन्हें समर्पित किया। शनिवार को ऑडिटोरियम में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अनिल मीणा के मुख्य आतिथ्य में सभापति अमृत कलासवा की अध्यक्षता में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद पटेल, नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित, उपसभापति सुदर्शन जैन और सहायक अभियंता विकास लेगा विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल मीणा ने कहा कि आज गर्व की बात है कि हम हमारे शहर का नाम स्वच्छ शहर के नाम से पुकारते हैं और जहां भी जाते हैं हमारे शहर को एक विशेष सम्मान मिलता है। ये बात सभी शहरवासियों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में योगदान देवे। वहीं सभापति अमृत कलासवा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति से संभव नहीं है। इस अभियान में शहर के एक एक नागरिक, मेरे स्वच्छता कर्मी और शहरी बच्चों का पूर्ण योगदान है। ये सम्मान अनवरत बना रहे और हमारे शहर का नाम विश्व पटल पर स्थापित हो। उन्होंने शहरी स्वच्छता में योगदान हेतु शहर में 14 स्वच्छ शहर ब्रांड एम्बेसडर के नाम की घोषणा की, जिसमें प्रकाश पंचाल, डॉक्टर गौरव यादव, पृथ्वीराज जैन, ममता यादव, श्वेता जैन, प्रियंका चौबीसा, विनय श्रीमाल, ऋचा कटारा, हर्षवर्धन जैन, शरद जोशी, नियति सोमपुरा, धीरज टेलर, मास्टर सोएब, असलम रामपुरी, जिन्हें शहरी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कार्यक्रम में सभी ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान किया गया। वहीं शहर के समस्त समाज के अध्यक्ष, स्वयंसेवी संस्थाओं और सफाई कर्मचारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने सभी सफाई कर्मचारियों से एक बार फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में लगने को कहा। इस बार जीत का चौका लगाना है और फिर से सर्वेक्षण में नंबर वन आना है। उन्होंने सभी शहरीजन को एक बार फिर शहर को नंबर वन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, जैसे हम हमारे घर को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने शहर को स्वच्छ रखें। हमारे सफाई निरीक्षक जमादार व आज जिनके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, नगर परिषद डूंगरपुर के स्वच्छता सिपाही, मेरे सभी साथी, मैं आप सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण एवं शहर से पधारे हुए समस्त नागरिक बंधुओं का, मेरे स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि नगर परिषद डूंगरपुर को निरंतर तीसरे वर्ष 2 अवार्ड मिले हैं, इससे पहले भी अवार्ड मिले हैं। ये दर्शाता है कि हमारी शहर की और नगर परिषद डूंगरपुर के कर्मचारियों की एक सामूहिक सहभागिता इस शहर को निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। अवार्ड निरंतर कई शहरों को मिलते हैं, लेकिन डूंगरपुर नगर परिषद राजस्थान का एकमात्र शहर है जिसे लगातार तीसरे वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर जब पुरस्कार के माध्यम से मान्यता मिलती है तो एक और हमें जिम्मेदारी का आभास भी होता है कि हमें जो सम्मान दिया गया है उससे हमारी अपनी जिम्मेदारी बढ़ती है। मैं आप सभी शहरवासी जो यहाँ विराजे हुए हैं एवं मेरे सफाई कर्मचारी, उनसे भी आह्वान करूँगा कि 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण कुछ ही समय बाद शुरू होगा, उसमें हमारे सभी ब्रांड एम्बेसडर, सम्मानित पार्षदगण, सभी शहर के संभ्रांत नागरिक, जो हमें सहयोग मिला है उसी तरह आप सभी सहयोग देते रहे। पत्रकार बंधुओं का भी सकारात्मक सहयोग चाहूँगा। हम आपका सहयोग मिलेगा तो हम और आप मिलकर डूंगरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आपका सहयोग पूर्व की भांति मिला तो हम जो पुरस्कार मिले हैं उससे भी अच्छे पुरस्कार हासिल करेंगे और डूंगरपुर को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाएंगे। कार्यक्रम में सहायक अभियंता विकास लेगा ने सर्वेक्षण 2022 के समस्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर 7500 अंकों के निर्धारण पर बात की। कार्यक्रम में आभार उपसभापति सुदर्शन जैन ने जताया। वहीं कार्यक्रम का संचालन श्वेता जैन, गिरिराज जोशी और उन्नति जैन ने किया।
सम्मान कार्यक्रम में परिषद के समस्त पार्षद, समाज अध्यक्ष, प्रबुद्ध नागरिक, परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।